नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारगिल मिस्टी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज जो अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पिछले वाला जो वीडियोस था मेरा, तो वो मैंने आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में डाला था। तो अब जो वीडियो आ रहा है, यानी जो कि आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो रहेगा अपना परीक्षा स्कीम तथा उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है और उसका सिलेबस क्या रहेगा, कब उसकी परीक्षा होगी और उसको भरने के लिए आपके पास में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए और आपके पास में जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो अपन समझेंगे इस वीडियोस के माध्यम से, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको ये डिस्कस करूँगा इस वीडियोस के माध्यम से। नोटिफिकेशन जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, ये वैकेंसी की बात करें तो अपन एलडीसी की नाम करके वैकेंसी रहने वाली है इसके अंदर। और कंप्लीट अपन इस वीडियोस के माध्यम से समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से वैकेंसियों का किस डिस्ट्रिक्ट में कितना अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अपने पास में सिंपल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे अपन को फॉर्म भरना है, किस डिस्ट्रिक्ट से अपन भर सकते हैं तथा इसका सिलेबस की स्कीम क्या रहेगी। तो ये सब चीज़ अपन इस वीडियोज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन चलते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे मेन एडवर्टाइजमेंट, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, आप लोग भी देख सकते हो। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे 19/3/2020 को ये रिलीज हुआ था। जिसके अंदर से वैकेंसी की बात करें तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की है, उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क सेकेंड यानी लिपिक सेकेंड की यहाँ पे वैकेंसी है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेन एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेन यहाँ पे इनकी सैलरी के बारे में यहाँ बोला गया है। अगर आपको सैलरी की बात करें, दो वर्ष के लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 14,600 फिक्स पे में आपका रहेगा। और ये जो आपका लेवल जो रहेगा L5 रहेगा, जिसके अंदर आप लोग 20,000 से 800 और 65,000 से 90,900 के बीच में यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स पे होगी। उसके बाद में अपन चलेंगे इसके जो विशेष जो हैं नोट्स। आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको मेन ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा एच आपका हाई कोर्ट राजस्थान करके वेबसाइट से, जो मैंने आपको मार्क कर रखा है, हाईलाइट किया है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन यहाँ पे डाला हुआ है। तो रिजर्वेशन में अपन बात करें तो यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ नायक सहायक भर्ती संलग्न फर्स्ट में दे रखा है, जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके सामने राजस्थान और आपका ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो इनका संलग्न आपको आगे इस वीडियोस में मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताऊँगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। आगे अपने पास में सेम ये दे रखा है, सेकंड अपन पेपर सेकंड में चलेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सेकंड अपने पास में है विज्ञापन का, विस्तृत विज्ञापन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों में TSP एरियाज में जो आरक्षण रहने वाला है तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो उसको अच्छे से। इसके लिए कुछ अनुदान यहाँ पे किया गया है, जिसमें 5% जो है वो अनुसूचित जाति व 45% अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे रखा गया है। बाकी अनुसूचित क्षेत्र में 50% जो है पद ऐसे के ऐसे रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अपन चले तो वेरियस कैटेगरी के रिजर्वेशन के संदर्भ में यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद में फिजिकली हैंडीकेप्ड का यहाँ पे शो कर रखा है, जो लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड से हैं तो वो उनको सर्टिफिकेट चाहिए डिसेबिलिटी का, तो आप लोग देख सकते हो स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हैं। उसके बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आप चल रहे हैं विस्तृत विज्ञापन की अपन बात कर रहे हैं। कुल पदों के अब यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। इम्पोर्टेंट प्रेस नोट प्रेस की बात करें, नोट्स की बात करें, तो प्रथम वरीयता राजस्थान उच्च न्यायालय को दी जाएगी। उसके बाद में आप लोग द्वितीय वरीयता, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से आप लोग वरीयता दे सकते हो अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म में, जिनके विभाग भी इसके सामने ऑलरेडी यहाँ पे किए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में जो अपने पास में रहने वाली है। उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता आपके पास में क्या होनी चाहिए, यानी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। आपके पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अपन डिस्कस करेंगे। सिंपली मैं बात कर दूं तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी फील्ड्स में आप लोग हो सकते हो। उसके बाद में आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है
कंप्यूटर के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तथा टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होना है, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर का। उसके बाद में शारीरिक उपयुक्तता, फिजिकली फिटनेस की बात करें तो सिंपल आप लोग जो रखी गई हैं वो होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो अपन ऑलरेडी अपन इंडियन है तो एटलीस्ट इंडियन ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का जो इशू था एज का, मैं आपको डिटेल से इसमें डिस्कस कर देता हूँ। एज की बात करें तो 18 साल से लेके आप लोग 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स की जो 40 साल हो गई हैं तो अपर एज आप लोग देख रहे होंगे, अपर एज कितनी आपकी 40, इसके अंदर से आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का। डिपेंड करता है आपके पास कैटेगरी कौन सी है, तो उस कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप लोग इसको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आप लोग एज देख लीजिएगा, 18 से 40 होनी चाहिए। और जो आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो अपर एज पे मिलेगा, यानी 40 साल के ऊपर आपको कितना यहाँ पे कैटेगरी में आपको अलॉटेड है रिजर्वेशन, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी एज में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, मैंने आपको डिस्कस कर दिया इस स्लाइड्स के माध्यम से। आगे अपन चलेंगे इसी में, तो नेक्स्ट अपने पास में रहने वाला है कि उसके जो डिटेल जो करेक्टर्स कैसा होना चाहिए। सिंपली आपको पता है गुड करेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, कोई इस वे पुलिस केस नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पे एफआईआर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे परीक्षा शुल्क कितना होना चाहिए, यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपके पास में कितना आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डिपॉजिट यहाँ पे करना होगा, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ स्लाइड्स में। जो कैंडिडेट जनरल से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो लोग यहाँ पे 500 रुपये पे करने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। और बाकी जो एस सी एस टी के कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 350 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भरने होंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क की डिस्कस अपन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आगे परीक्षा शुल्क की वापसी की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी विधान नहीं रखा गया है कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओ, तो किसी प्रकार का आप लोग राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसी कोई रीट जाए याचिका दायर नहीं कर सकते जिससे आपकी फ़ीस का रिफंड यहाँ पे ये लोग पे करेंगे, क्योंकि साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फ़ीस आपकी यहाँ पे पेबल नहीं होगी। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो, एक बार फ़ीस कट जाती है तो आपको वापस रिटर्न नहीं की जाएगी। कुछ डिसक्वालिफिकेशंस के अपॉइंटमेंट्स भी हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके जो बेसिक्स यहाँ पे था, तो अब रहने वाला है परीक्षा स्कीम्स आपकी क्या रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी परीक्षा की रहने वाली है, किस किस प्रकार के सिलेबस यहाँ पे हाईकोर्ट ने मेंशन किया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सेक्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसमें रिटर्न एग्जाम्स होएगा, उसमें पेपर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आप लोग पार्ट ए में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हिंदी है, पार्ट बी इंग्लिश है, पार्ट सी जनरल नॉलेज यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम बात करूँ हिंदी पार्ट ए की तो यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, जिसके अंदर से पार्ट्स बी यानी इंग्लिश की बात करें तो 100, जनरल नॉलेज की बात करें तो 100, यानी कुल मिला के अपने पास में 300 मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड आपके पास में हो गए। इसी प्रकार से मिनिमम मार्क्स जो लाने हैं एस सी एस टी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 120 आपको लाने पड़ेंगे। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं जनरल ओबीसी, उसके लिए 135 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम इस एग्जामिनेशन में पास करने के लिए आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कंसिडरेशन में डाली जाएगी। ड्यूरेशन बात करें तो यहाँ पे 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होना है, जिसके अंदर से 3 पार्ट्स यहाँ पे हैं। मैं पार्ट्स ए की बात कर रहा हूँ यानी सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। उस सेक्शन ए के अंदर अपने पार्ट्स ए में हिंदी है, पार्ट्स बी में इंग्लिश है और पार्ट सी में जनरल नॉलेज यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि क्या मेथड से यहाँ पे होगा। आपको बता दूँ 50 मल्टीपल चॉइस यहाँ पे आपसे पूछे जाने हैं, उसके बाद में रिटन टेस्ट विल बी ओमआर शीट्स पे लिया जाएगा, उसके बाद देर विल बी नॉन नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। आप लोग देख सकते हो आपके मेन एडवर्टाइज में डाला हुआ है देर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। अगर आप लोग एग्जामिनेशन को फॉर्म को भरोगे उसके लिए एग्जामिनेशन आपका होगा तो उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया। आगे चलेंगे इसके सिलेबस में किस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मैं हिंदी की बात करूँगा सबसे पहले पार्ट्स ए की। हिंदी के अंदर जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद यहाँ पे रहने वाले हैं, समास, समास के विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द,
विपरीतार्थ, अनेकार्थ, शब्द युग में वाक्य वाच्य वाक्य के लिए एक समानार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार के कंटेंट्स आपको हिंदी सिलेबस में मिल यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए एग्जामिनेशन को इस स्कीम्स में रखा गया है हिंदी को। आगे देखें तो अपने पास में इंग्लिश पार्ट्स बी में बात करेंगे तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाता है। इंग्लिश आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपने इंग्लिश का सिलेबस है। इसके अंदर सिंपली आपको सेंटेंस इंप्रूव आना चाहिए, टेंसेस आना चाहिए, वॉइस एक्टिव आना चाहिए, नरेशन आना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, असर्टिव यूज़ ऑफ आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं, करेक्शन सेंटेंस होना चाहिए, सिनोनिमस एंटोनिमस होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रीफिक्स सफिक्स होना चाहिए, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होना चाहिए, आइटम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे आपको इस सिलेबस के कंटेंट्स में मेंशन किया गया है, तो आप लोगों ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये अपने पास में रहा इंग्लिश का सिलेबस जो मैंने डिटेल से आपको डिस्कस किया इस वीडियोज़ के माध्यम से। आप लोग इसको मेन नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो या फिर हमारे वीडियोस के भी देख सकते हो। हम लोग प्रॉपर वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हम आशा भी करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब तथा अपने इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, जिससे हम लोगों को आपका ये सपोर्ट काफ़ी आगे तक ले जाएगा और हम और भी अच्छे यहाँ पर वीडियो डालने की कोशिश आपको लगातार करते रहेंगे आपके सामने। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में यहाँ पे करंट अफेयर्स रहने वाला है। उसके बाद में बड़ा पोर्शन जो ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री, ये भी यहाँ पे रहने वाले हैं। ये पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसी के आगे जो आगे रहने वाला है। आप लोग सेक्शन बी देख पा रहे होंगे। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी मैंने आपको बोला था ये जो टाइपिंग टेस्ट से संबंधित है, जो कंप्यूटर बेस्ड होएगा, आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, जिससे आप लोग स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट भी आप लोग कह सकते हो। दो पेपर यहाँ पे होने हैं इसके। पहला पार्ट्स की अगर बात करें, यानी पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड टेस्ट यहाँ पे होना है। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया जाएगा। ड्यूरेशन की बात करें दोनों के लिए सेम ड्यूरेशन, यानी 5-5 मिनट यहाँ पर रखा गया है। मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे 25-25 रखे गए हैं, आप लोग देख सकते हो। मिनिमम मार्क्स आपको 20 यहाँ पे SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड को यहाँ पे 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे 25 में से। इसी प्रकार से अदर कैंडिडेट जो हैं जनरल OBC, उसके लिए 22.5 यानी 22.5 नंबर यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे उसको लाने पड़ेंगे पास करने के लिए एग्जामिनेशन को। पेपर सेकंड की बात करें तो एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए ड्यूरेशन आपका 10 मिनट्स का रहेगा। बाकी जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर रहेंगे वो 50 मार्क्स रहेंगे। SC ST कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 20 रखे गए। बाकी जो कैटेगरी हैं जनरल OBC, वहाँ पे 22.5 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हो तो, या फिर इस पार्ट्स को पास करना चाहते हो तो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाली है। स्पीड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, तो कृति देवी में आपको 0 0 10 हिंदी के लिए, कैलिबर के लिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए कैलिबर यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट्स जो आपकी सेटिंग वहाँ पे मिलेगी आपको। मिनिमम स्पीड अगर बात करें तो 8000 की जो है डिप्रेशंस पर हावर, 1 घंटे में आपको 8000 वर्ड जो हैं वो टाइप करने पड़ेंगे कंप्यूटर पे। और इसका जो फॉन्ट जो होगा वो कुर्ती देवी 010 होगा हिंदी के लिए और कैलिबर होगा इंग्लिश के लिए। आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो मेन आपके सिस्टम पे। उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट होगा, टेकन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का होगा, उसका फॉर्मेट बनाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, आप लोग पेज कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे पेज को एक्स्ट्रा पेज को डिलीट करोगे, टेबल यूजिंग द प्रॉपर मेथड्स, प्रॉपर मेथड्स में आप टेबल कैसे यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट क्या होगा उसका, और उसके लेटर जो हैं फॉर्मेटिंग लेटर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो आपका टाइपिंग टेस्ट मैंने डिस्कस किया, और इस टाइपिंग टेस्ट में जो प्रोसेस था वो भी मैंने स्लाइड्स के माध्यम से डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आगे अपन चलेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए की तरफ। तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15 नंबर में प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट ऑनलाइन के लिए यहाँ पे देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। आवेदन की करने का समय सीमा अगर बात करें तो 30/3 से प्रारंभ होकर ये 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 27/4 यानी 27 अप्रैल 2020 के मध्य 5 बजे शाम को तक भरा जाएगा। तो जो कैंडिडेट इसको भरने के लिए इच्छुक हैं वो 30 मार्च 2020 से लेकर 27 अप्रैल 2020 के मध्य इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 30 मार्च 2020 से लेके 28 अप्रैल 2020 के मध्य यहाँ पे रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने आपको आवेदन की लास्ट डेट भी यहाँ पे डिस्कस की। इसी प्रकार अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में ये आपका आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आपको दे रखे हैं। आप जब आवेदन भरोगे तो आपको किस प्रकार के यहाँ पे आदेश फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो प्रोविजनली जो है रूप से प्रवेश दिया जाएगा वो अतः ऑनलाइन के जरिए ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। परीक्षा का स्थान व महा ये आपको जल्द ही मेन राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट्स पे अलॉट कर दिया जाएगा, और ये परीक्षा जो है वो आपकी एक या एक से अधिक पारियों में आयोजित की जा सकती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आपत्तिजनक प्रमाण पत्र आप लोग देख सकते हो, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रवेश एडमिट कार्ड की अगर बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड जैसे ही ये डाउनलोड जब आएंगे तो आप राजस्थान की उच्च न्यायालय मेन वेबसाइट्स पे जाके अपलोड कर दिए जाएंगे, और वहाँ पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे किसी भी प्रकार के डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे सतर्क रहें। आपको जो भी होगा वो मेन वेबसाइट्स पे यहाँ पे पब्लिश होगा, और वहीं से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अपने पास में रख सकते हो और आप एग्जामिनेशन को देख पाओगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने पास में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आप लोग पढ़ लेना। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड्स आपको दिख रहा होगा, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी कोई स्टूडेंट है अगर वो एग्ज़ाम देने आ रहा है, ये ST का हो या किसी भी कैटेगरी का हो, उसको किसी प्रकार का यहाँ पे रिलैक्सेशन फीस में नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हेल्पलाइन के लिए आप लोग यहाँ पे हेल्पलाइन ले सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूरेशन इसका रहेगा, ऑफिस टाइम रहेगा, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये अपने पास में थी एग्ज़ाम से लेके फुल नोटिफिकेशन की एक संपूर्ण जानकारी, जो मैंने परीक्षा स्कीम तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको डिस्कस किया, जिसके अंदर सिलेबस अपने डिस्कस किया, उसके बाद में योग्यता अपने डिस्कस की, क्या योग्यता यहाँ पे रहने वाली, और अपन ने डिस्कस किया टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे क्या रहना है, किस प्रकार से यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है और किस कितने भागों में ये बटा हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहाँ पे संलग्न फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी रिक्तियाँ बताई जा रही हैं आप लोगों को, अब आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कनिष्ठ न्यायिक सहायक परीक्षा के लिए जो पद हैं उसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 268 यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके अंदर जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC तथा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, 268 यहाँ पे रहने वाली है। आगे अपन चलेंगे संलग्न सेकंड में, जिसके अंदर राजस्थान न्यायिक अकादमी में लिपिक ग्रेड सेकंड की यहाँ पे जो है उसके अंदर टोटल वैकेंसी 8 हैं, और इसके लिए जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC तथा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जो कनिष्ठ सहायक होने हैं उनके लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 18 हैं, और 18 वैकेंसी को जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC तथा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रूप में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप लोग देख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये स्लाइड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपन को एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। मैं तो आपको राय दूंगा कि जहाँ पे नंबर ऑफ ज़्यादा वैकेंसीज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग लाइक करते हो, यानी या तो आपका होम स्टेट हो सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट को लाइक करते हो वहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख नज़र रखते हुए ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यायालय में जो लिपिक ग्रेड सेकेंड की हैं वो कंप्लीट रिक्तियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, तो अजमेर, अलवर, बालोतरा, इस प्रकार से सभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे होंगे। आपको मेन आपका स्लाइड्स पे है ये जो भी वैकेंसी है नॉन TSP एरियाज़ के लिए रहने वाली है, आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे दिखा हुआ है, और इसको टोटल वैकेंसीज़ भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए हैं, तो आप लोग ये भी देख लीजिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1056 वैकेंसी यहाँ पे है निकाली है, जो जिला न्यायालय में लिपिक ग्रेड सेकंड के नाम से हैं तथा नॉन TSP एरियाज़ के लिए होने वाली है। तो
तो आप लोग अच्छे से इसकी स्टडी कर लेना, और आपको जो डिस्ट्रिक्ट पसंद है आप लोग उसी में ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना, किसी प्रकार का किसी के बहकाव में आके मत भरना कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी और वहाँ पे भर दो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन ओवरऑल रहने वाला है, और मैं आपको बता दूँ कि कंपटीशन के लिहाज से जो अपने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो जयपुर, सीकर, या जो अपने पास में जो कॉम्पिटेटिव डिस्ट्रिक्ट होते हैं अजमेर, तो ये डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ ऑलरेडी ही अच्छी यहाँ पर जाने के आसार रहते हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं बैकग्राउंड्स वाले, तो आप लोग ये भर सकते हो, जैसे आपका भीलवाड़ा है, आपका बीकानेर है, चूरू है, दौसा है, धौलपुर है, इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग थोड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे दे दे सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे संलग्न 5 की तरफ अपन चलेंगे, तो ये वैकेंसी देखें तो ये TSP एरियाज़ के लिए, जो जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड सेकंड से यहाँ पर निकाली है, इसके लिए भी टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 61 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर से जनरल भी हैं, EWS भी है, SC ST OBC MBC तथा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, सभी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे डाली हुई है। लेकिन ये एरिया जो है ये आपका मैं बता दूँ TSP एरियाज़ के लिए हैं, जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है 61 रहने वाली है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे TSP एरियाज से रिलेटेड हैं, तो वो लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो, तथा उसको देखने के बाद ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रहे हो बिना देखे हुए, तो आप लोग पहले एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़िए, पूरा नोटिफिकेशन जानिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो अपना संलग्न 6 की बात करेंगे, सेम आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आपको मेन स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, तो इसमें जो अपने पास मेरे एरिया रहने वाला है वो नॉन TSP एरिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तथा जिला विविध प्राधिकरणों में वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 333 वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो 32 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गिवन है। वो डिस्ट्रिक्ट गिवन है जहाँ पे नंबर ऑफ जजशिप लगता है, यानी आपका कोर्ट जो लगता है उस एरियाज़ की यहाँ पे बात कर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको डिस्ट्रिक्ट में उसी डिस्ट्रिक्ट में लगता हो सकता है उसके नियरेस्ट जो फेमस डिस्ट्रिक्ट से डबल भी लगते हों। तो ये अपने पास में थी वैकेंसीज़ की मेन लिस्ट जो आप लोग देख सकते हो, पहले अच्छी से इसको स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ तथा आपकी जो कंपटीशन लेवल है वो ज़्यादा रहे और आप लोग उस डिस्ट्रिक्ट से नहीं लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हो संलग्न 7 आपको सामने आ रहा है, तो संलग्न 7 की बात करें तो ये TSP एरियाज़ के लिए टोटल वैकेंसी 16 रहने वाली है। उसके बाद में आपके पास में TSP एरियाज़ की टोटल वैकेंसी 16 है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर स्थायी लोक जो अदालतें होती हैं उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप लोगों को मैंने आपको डिस्कस कर दिया कंप्लीट, इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक्स था मैं आपको वापस बता देता हूँ। आपके पास में TSP एरियाज़ की जो वैकेंसीज़ हैं ये लो आप देख सकते हो, मैंने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद में संलग्न 6 की बात करें जिसमें नॉन TSP एरियाज़ आते हैं, उसके बाद में मैंने डिस्कस किया आपके सामने जो TSP एरियाज़ के हैं जो जिला न्यायालय लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए हैं उसके लिए मैंने डिस्कस किया, आप लोग ये भी देख सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको डिस्कस किया 4 जो संलग्न है उसके लिए मैंने डिस्कस किया, तो वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने देखा। उसके बाद में आपके संलग्न यहाँ पे जो कनिष्ठ न्यायिक सहायक की वैकेंसी थी उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में आपके सामने जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस को मैंने आपको वापस मैं शो कर देता हूँ। ये आपका आपने सिलेबस डिस्कस किया, सेक्शन ए था, सेक्शन ए में पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज होना था। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स थे, SC ST के लिए 120 मार्क्स यहाँ पे लाने हैं आपको, बाकी जो कैटेगरीज हैं जनरल और OBC वहाँ पे 135 उनको मार्क्स चाहिए। ये अपने पास में हिंदी और इंग्लिश और जनरल नॉलेज का सिलेबस है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया पार्ट सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में अपन ने देखा टाइपिंग टेस्ट जो था जिसे स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट भी आप लोग कहते हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया इस वीडियोज़ के माध्यम से। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके पास में बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए अपडेट्स सबसे पहले तथा आप तक जल्दी पहुंच सके। सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, धन्यवाद।